अनोखी शादी के कई किस्से आपने जरूर सुने होंगे। किसी की पेड़ से शादी हुई तो किसी की कुत्ते से। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि गौ वंशों की रक्षा के लिए ग्रामीणों ने एक अनोखी परंपरा को अपनाते हुए बछड़े और बछिया की शादी करा दी। जी हाँ, ये सच है। यूपी के जनपद श्रावस्ती में पहले शुभ मुहूर्त देख बछड़े का बरीक्षा कराया गया, फिर उसे दूल्हे की तरह तैयार कर धूमधाम से नाच गाने के साथ बारात निकाली गई। बता दें कि श्रावस्ती जिले में गौवंशों की रक्षा के लिए ग्रामीणों ने एक अनोखी परंपरा को अपनाया है। ग्रामीणों ने एक गौवंश की शादी पड़ोस के जिले बहराइच के गौवंश से रचाई है। बीती रात गौवंश की बारात बड़े ही धूमधाम के साथ बहराइच पहुंची और लोग बैंड बाजे के साथ नाचते गाते बारात लेकर बहराइच पहुंचे, जहां सैकड़ों ग्रामीण मौज मस्ती भी करते नजर आए। बहुत खुशी का माहौल है, बारात लेके जा रहे हैं। अभी तो आप देख रहे हैं कि पुरानी परंपरा के तहत कुआं का पूजन हुआ है और सहरा वहरा बांधा गया है, दूल्हे को नहला धुला कर सजा गया है और बड़े उल्लास से, यानी हमारे गांव में जो कार्यक्रम जो हो रहा है बड़े उत्साह से लोग मना रहे हैं। हजारों 1500 से ज़्यादा जनसंख्या है और बारात अभी यहां से निकलेगी और नंदी बाबा का जयकारी लगेगा और लोगों को बहुत खुशी मिल रही है। ये जो शादी आप कर रहे हैं जी, ये अपने आप में बहुत ही अनोखी शादी, बहुत अनोखी शादी, अभी कभी तक नहीं। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? अब ये संदेश जिन लोगों को समझ में आए तो सबसे बड़ा संदेश है, भारत माता की जय बोलो, नंदी बाबा की जय, नंदिनी माता की जय। आज के दिन में तो मारे खुशी के जो है मतलब बिल्कुल अपने आप को संभाल ही नहीं मिलता है। जो इस तरीका से हमारे गांव में एक गौ माता के साथ में ऐसा जो है पब्लिक ऐसा जो है हर एक लोग सोचना शुरू कर दें, गौ जो रोड पे मर रही है, हर एक चीज़ें हो रहा है, गौशाला में जाती हैं वहाँ कोई भी नहीं मिलता है उनको, वहाँ भी मर जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी खुशी इस तरीका से हम आप देखा गया जो एक गौ माता की कोई शादी करने वाला निकला हमारे यहाँ। अच्छा, एक चीज़ और देखा जा रहा है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान सभी लोग आ रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सब लोग हम आपस में तो भाई भाई हैं। ये राजनीति की वजह से जो है मतलब ये भाव विचार आना शुरू हो जाता है, बाकी तो हम तो भाई भाई हैं भाई हमारे। दरअसल ये खबर है यूपी के श्रावस्ती जिले के कोना क्षेत्र के रामपुर कटेल गांव की, जहां से बारात बहराइच के प्रयागपुर थाना क्षेत्र के निहनिया कुट्टी पहुंची थी, जहां बछिया पक्ष के लोगों ने बारात का स्वागत किया, फिर पूरे रीति रिवाज से कन्यादान कर अपनी बछिया की विदाई की। बछिया मालिक संत ने बताया कि मैंने अपनी बछिया को बेटी की तरह पाला पोसा है, जिसका विवाह बैंड बाजे के साथ उन्होंने धूमधाम से किया। पंजाब केसरी टीवी के लिए श्रावस्ती से दुर्गेश शुक्ला और बहराइच से मोहम्मद कासिफ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।